इंटीरियर है ये, और ये गत्ते में है, ये गत्ते में दूर से लग रहा है जैसे पत्थर है, पर ये गत्ता है। जैसा राम मंदिर अयोध्या में है हाँ, वैसा ही मंदिर का स्वरूप यहाँ निकलेगा। कहाँ से आए हैं कारीगर? बंगाल से। बहुत बड़ा साइज में बन रहा है ये, 4 किलोमीटर दूर से तो आपके ड्रोन शो। अच्छा, जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आज मैं आया हूँ अल्बर्ट हॉल पर, और 22 जनवरी को जो श्री राम मंदिर का उद्घाटन है अयोध्या में, उसका सेलिब्रेशन पूरे इंडिया में देखा जा सकता है, और ख़ास करके राजस्थान में और पुष्कर में। आपने सुना होगा कि रेत से वहाँ पे राम मंदिर का स्वरूप बनाया गया है, और ऐसे ही यहाँ पे अल्बर्ट हॉल में भी राम मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा है, जहाँ पे 135 फीट का राम मंदिर का स्वरूप बन रहा है, और यहाँ पे बंगाल से कारीगर बुलाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो काम चल रहा है, तो थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ क्या, अंदर से थोड़ा सा टूर करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो ये कारीगर, देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा साइज़ में बन रहा है ये। थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की साइड चलते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। पूरा इसका इंटीरियर है ये, और ये गत्ते में है, ये गत्ते में दूर से लग रहा है जैसे पत्थर है, पर ये गत्ता है, गत्ता है। कहाँ से आप, कहाँ से आए हैं कारीगर? बंगाल से। हाँ, कलकत्ता का। अच्छा, तो ये कब तक बन जाएगा अंकल? कल शाम तक। कल शाम तक। अच्छा, और परसों ही इसका फिर वो होगा ना, अगर झांकी वगैरह? 3 दिन लगेगी है ना? हाँ, 3 दिन लगा हुआ रहेगा यहाँ। जो बोलने वाला ना वो उधर है, वो जो सुबह, अरे वो, अच्छा वो बंगाल से आए हुए करीब 150 तारीख उसको बना देंगे। अच्छा, इसलिए पता नहीं से काम कर रहा है। जैसा राम मंदिर अयोध्या में है हाँ, वैसा ही मंदिर का स्वरूप यहाँ निकलेगा। अच्छा, 18 फीट की रामलला की मूर्ति बनाए जाएंगे हाँ, जो करीब 1 किलोमीटर दूर से भी दर्शन। यहाँ ड्रोन शो, लेजर लाइट शो, आतिशबाजी, भजन संध्या का कार्यक्रम है, हाँ आरती का कार्यक्रम है, संतों और भंतों की अगवानी में यहाँ महाराज का कार्यक्रम है, जो हमारा भव्य होगा। एक रथ यात्रा है, दलता गेट से रथ यात्रा रवाना होकर शहर के प्रमुख बाज़ारों से होते हुए रामनगर बाज़ार, बड़ी चौपर, त्रिपोले बाज़ार, चौरस्ते होते हुए शाम को 5 बजे अलगा ढाल पहुँचे। उस पदयात्रा में लगभग 10,000 लोग स्त्री पुरुष एक भगवा वस्त्र पहन करके रामलला का गुणगान करते हुए, रामलला का जयकारा लगाते हुए और राम धुनि करते हुए अल्बर्ट हॉल पहुँचेंगे। यहाँ आकर के शाम को 1,11,000 दीप प्रज्वलित करने का जो कार्यक्रम है वो इधर ही होगा, यही। अच्छा, मतलब ये इसकी झांकी 3 दिन की रहेगी है ना, मैंने ऐसा सुना? 23 तीन दिन दर्शनों के लिए खुली रहेगी, और प्रोग्राम 22 तारीख का, प्रोग्राम 22 का है, 23-24 को आम जनता के लिए। मतलब कुछ रामलीला का भी कुछ है? नहीं, रामलीला नहीं, 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 केवल दर्शन। अच्छा, दर्शन होंगे 22 को है, जो भी प्रोग्राम है सारा 22 को। अच्छा, 22 को है, और 24 को केवल दर्शन है आम जनता के लिए। आम जनता के लिए। और यहाँ पे मतलब प्रोग्राम से दूर दूर से दिख जाएगा ना? हाँ, 4 किलोमीटर दूर से तो आपके ड्रोन शो। अच्छा, दर्शन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और 1 किलोमीटर दूर से जो मूर्ति लगेगी वो 1 किलोमीटर दूर से भी दिखेगी आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। पूरा यहाँ पूरे दोनों तरफ दीपक जलाए जाएंगे, 1 लाख 1.25 लाख है ना। थैंक यू अंकल। देखिए दोस्तों, मैंने आपको और अंकल ने आपको जानकारी दे दी, और ये श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है अल्बर्ट हॉल पे। सेंटर से देख सकते हो, ऐसा लगेगा। अब ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए पूरा काम चल रहा है इसका, वहाँ तक है, और वहाँ से पूरा उधर तक। और देखिए दोस्तों, ये पूरा कार्डबोर्ड से बना पड़ा है। ये देखिए आपको यहाँ से देखिए पता चल जाएगा, पूरा कार्डबोर्ड से और ये लकड़ी से पूरा बनाया जा रहा है, पूरा गत्ता है ये। इसके अंकल भी बंगाल से हैं, तो इनको हैंडल कर रहे हैं, मतलब मैनेज कर रहे हैं, और ये इनके कारीगर हैं। ये इसका बैक एरिया, और यहाँ से पूरी चारों तरफ से बन रहा है, और यहाँ पे देखिए अभी कारीगर लगे पड़े हैं, देखिए काम कर रहे हैं। ये देखो इसको सेट कर रहे हैं दोस्तों। फिर हम जब ये बन जाएगा, हम उसकी भी आपको वीडियो डाल देंगे,
अभी हम जा रहे हैं सिटी की तरफ, तो वहाँ पे भी जो सजावट वगैरह हो रही है काफ़ी, एक त्यौहार सही आ गया, एक तरह से दोबारा से दिवाली आ गई है जयपुर में, जयपुर क्या पूरे भारत में ही, तो हम उसे भी आपको दिखाएंगे, वो आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।